दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई है। राजधानी में कोरोना वायरस से निपटने के लिए नए कदमों को उठाने में देरी पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको नींद से जगाया गया है और हमारे सवाल पूछने के बाद आप पलट गए। कोर्ट ने पूछा कि आपने शादियों में गेस्ट की संख्या कम करने का फैसला इतनी देरी से क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आपने शादी समारोह में लोगों की संख्या सीमित करने के लिए 18 दिन तक प्रतीक्षा क्यों की, इस अवधि में कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाने का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को फिर से कम किया है। बुधवार को शादी में 200 की बजाय 50 गेस्ट शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को LG ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शादियों में 200 लोगों की जगह सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव LG के पास भेजा था। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलों को मनीष सिसोदिया ने सिरे से खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।